सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चे अपना इक्विलिब्रियम दे विच सिर्फ एक लास्ट छोटा जा टॉपिक बचा है, ठीक है। आपां वो भी आज खत्म कर देने हैं एंड विद दिस अपना इक्विलिब्रियम दा चैप्टर विल बी ओवर। ते देन वील स्टार्ट ऑफ विद अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। इन द मीनवाइल होपफुली आपां देखते हैं, वैसे कहता रहे हैं कि 15th of October तो स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट सब ओपन हो जाएंगे। तो होपफुली अगर सारा कुछ ओपन हो जाए तो इट विल बी वेरी फाइन, क्योंकि बाय फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर अपना सिलेबस भी नेड़े लग जूगा। तो व्हाट आई वांट इज कि चलो रिवीजन है जड़ी वो जेड़े बच्चे इतने ऑफलाइन आके अटेंड कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो आके कर सकते हैं, है ना। रिवीजन दे विच बच्चे मैंने कई बच्चों ने यह भी पूछा कि हाउ विल द रिवीजन गो ऑन। तो आई वुड जस्ट लाइक टू मेक इट क्लीयर कि रिवीजन दे विच की होएगा कि आपां जिहड़े टॉपिक्स है उन्हां नूं ब्रीफली रिवाइज करांगे एंड अपना मेन फोकस रहेगा बच्चे अपनी बुक दे क्वेश्चंस दे उपर। मतलब आपां सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करांगे प्लस जिहड़े भी होर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करांगे। एदां ही लैक्चर्स दे विच तुहानूं क्वेश्चंस मिलणगे, कुछ क्वेश्चंस तुहानूं मैं सॉल्व करवाया करूँगा ते कुछ क्वेश्चंस तुसीं खुद करने होया करनगे, ठीक है ना। ताकि अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल कह लो चाहे कॉन्सैप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू नाल कह लो भी अपना सारा कुछ चंगी तरह कवर हो जाए बच्चे एक बार। यू गेटिंग अ पॉइंट। जेडे अपने थियरी लैक्चर्स है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी सारे ऑनलाइन है ही ने ऑफकोर्स, ठीक है ना। तो इनकेस अपन कोई चैप्टर के खुद को प्रॉब्लम लगती है या कोई दिक्कत लगती है तो वह आप जो मर्जी बच्चे मतलब पुराने लैक्चर देख के रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कोई प्रॉब्लम वाली गल है ही नहीं। सो हुण आपां स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द एप्लीकेशंस मैं सुनूं एक बार ब्रीफली रिवाइज करूंगा कि कॉमन आयन इफेक्ट हुंदा की है। सो बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन आयन इफेक्ट। आपने किया सी कि देखो कि अगर अपने कोई भी ऐसा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिद्दां कि एसिटिक एसिड, तो आप उस दे विच एक ऐदां दा स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट पा दिए जिहड़ा कि उस दे नाल एटलीस्ट एक आयन कॉमन रखता हो। जिवें कि मैं HCl पाता जिहदा इस दे नाल कॉमन आयन है किहड़ा एच पॉजिटिव। तो देखो एसीटेट विल पार्शली ब्रेक डाउन इंटू एसीटेट प्लस एच पॉजिटिव एंड HCl विल कंप्लीटली ब्रेक डाउन इंटू एच पॉजिटिव एंड Cl नैगेटिव, ठीक है। सो जिहड़ा एच पॉजिटिव है देखो वो कॉमन आयन हो गया। तो HCl बच्चे एक स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट होने करके वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा, जिदे करके अपने इक्विलिब्रियम दे विच की बदलाव आया कि एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हैज इनक्रीज्ड। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो अकॉर्डिंग टू ली किटलायर्स प्रिंसीपल जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ताकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सके। तो जिहड़ा वीक इलैक्ट्रोलाइट है उसकी डिसोसिएशन होर भी डिक्रीज हो जूगी, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, जिदे नूं जिस दे विच आपां की कहने हैं कि वैन अ स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ अ वीक इलैक्ट्रोलाइट द वीक इलैक्ट्रोलाइट बिकम्स ईवन मोर वीक, ईवन वीकर, ठीक है ना। दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है ना। आप इस कॉमन आयन इफेक्ट कहने हैं बच्चे, क्लीयर। आप जिन्नी मर्जी एग्जाम्पल्स क्रिएट कर लो। एसिटिक एसिड के बच्चे तुम सोडियम एसीटेट भी ऐड कर सकते सी क्योंकि फिर एसीटेट कॉमन आयन हो जाता। सिमिलरली अगर आप एमोनियम हाइड्रोक्साइड लेने हैं, ठीक है, तो इट विल ब्रेक डाउन इंटू एमोनियम पॉजिटिव एंड OH नैगेटिव। तो आप कॉमन आयन इफेक्ट लगाने लिए या तो NaOH पा दो ते या फिर एमोनियम क्लोराइड पा दो। अगर NaOH पाओगे तो OH नैगेटिव कॉमन हो जाएंगे और अगर एमोनियम क्लोराइड पाओगे तो एमोनियम आयन्स विल बिकम कॉमन, ठीक है। एनदर क्लासिकल एग्जाम्पल प्रिसिपिटेशन दे टाइम आपने की कि अपने को एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है AgCl जो कि हल्का जहा ब्रेक डाउन होंगे इंटू Ag पॉजिटिव एंड Cl नैगेटिव, ठीक है ना। आप इस NaCl पाता जो कि एक स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट है एंड जो कि आपां नूं देगा एक कॉमन आयन। तो जो आप NaCl पावे बच्चे NaCl पा दो AgNO3 पा दो, अगर AgNO3 पा दोगे तो सिल्वर पॉजिटिव विल बिकम कॉमन। तो जो भी आप इदा के स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट्स पावे तो जो AgCl है
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੈਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲਿਊਬਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸਿਪਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਕਾਮਨ ਆਇਰਨ ਇਫੈਕਟ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਆਇਰਨ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਆਇਨਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਇਫੈਕਟ। ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, NaCl ਦੀ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੋਂ, ਓਸ਼ਨਸ, ਲੇਕਸ, ਰਿਵਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲਓ, ਸਾਲਟੀ ਵਾਟਰ ਲਓ, ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰ, ਸੀ ਵਾਟਰ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਆਫ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜੂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਮਕ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਸੋ NaCl ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਨੋ ਡਾਊਟ NaCl ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, NA ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, NaCl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਲੀਅਰ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ NaCl ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੂ ਆਇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਕਲਾਸਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ HCl, ਵਿਚ ਵਿਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਇਨ ਟੂ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਸਿਪਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਸਿਪਟੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਸਿਪਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ QSP ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ KSP। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ QSP ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ NA ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੂ ਦ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਆਇਓਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਹੜਾ KSP ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੁਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ KSP ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੁਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ QSP ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ NA ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਟੂ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਗੇਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਇਓਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸਪੋਜ਼ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ HCl ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ NaCl ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ HCl ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ HCl ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ? ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? KSP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਓਨੀ ਸੀ, ਇਕੁਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ KSP ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ? QSP ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ? KSP ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ HCl ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, HCl ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਇਕੁਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, QSP ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। QSP ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ QSP ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ KSP ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸਿਪਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NaCl ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸਿਪਟੇਟ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੰਡਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ
NaCl. क्लियर, ठीक है ना? नाउ सो दिस वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. हुन आप मूव करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पर, ठीक है ना, जी की मेन एप्लीकेशन है एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. इन क्वालिटेटिव एनालिसिस बच्चे, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब की होंगे कि आपने पता करना है कि अपने सोल्यूशन दे विच केड़े केड़े आयन्स है, ठीक है ना, या केड़े केड़े आयन्स नहीं है, ठीक है. सो देखो हुन बच्चे ये इनऑरगैनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, जिदे विच आप चेक करने होंगे ने कि अपने को केड़े केड़े आयन्स है सोल्यूशन दे विच. हुन जरा ध्यान नाल करियो, ये एक अपने आप च 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन है फॉर प्लस वन थियरी कि गिव द एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. ते वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली स्कूल एग्जाम्स दे विच एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो हुण देखो बच्चे, आप पहली एप्लीकेशन करन जा रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस दे अंडर. एक अपने कोल हुंदे ने बच्चे ग्रुप 2 कैटायंस और एक अपने पास हुंदे ने ग्रुप 4 कैटायंस, ठीक है, क्लियर. ग्रुप 2 कैटायंस दे विच जिहड़े मेजर कैटायंस है Hg+2, Copper+2 एंड Lead+2, क्लियर. सो दीज आर योर मेजर ग्रुप 2 कैटायंस. अच्छा हुन इत्थे एक चीज का ध्यान रखना है कि जेडे ये ग्रुप 2 ते ग्रुप 4 मैं थोड़े अगे लिखे है, ठीक है ना, एक ग्रुप 2 ते ग्रुप 4 अपने पीरियोडिक टेबल दे हिसाब नाल नहीं, कि मतलब तुसी कहो कि सर ग्रुप 2 ता हुंदा है मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ठीक है ना, ये इनऑरगैनिक दी क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना. तो आप ग्रुप 2 कैटायंस नूं ये अपने कोल टोटल ग्रुपिंग कीती हुंदी है ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, ठीक है ना. तो वह आपने डिस्टिंग्विश करने हैं कि ग्रुप 2 कैटायंस केड़े है, ग्रुप 4 कैटायंस केड़े है, या ग्रुप 2 नू ग्रुप 4 तो अलग करना है, है ना. सो देखो बच्चे, लेट इट बी, हुण देखो इसनू ध्यान नाल, हाँ जी सो सॉरी बच्चे विच कॉल आ गई सी, ठीक है ना. सो हुण देखो हुण इहनू जरा ध्यान नाल लॉजिकली समझना है कि आपने ग्रुप 2 ते ग्रुप 4 नू एक दूसरे तो डिस्टिंग्विश करना है बच्चे, मतलब दोनों नू अलग अलग करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अपने कोल एक सोल्यूशन है, ठीक है, इस सोल्यूशन दे विच ग्रुप 2 कैटायंस भी है एंड ग्रुप 4 कैटायंस भी है, है ना. लेट इट बी मैं ग्रुप 2 कैटायंस नू सिंबलाइज कर लैना है बाय X2 पॉजिटिव एंड ग्रुप 4 कैटायंस नू आपां सिंबलाइज कर लैने हैं बाय Y2 पॉजिटिव, X2 पॉजिटिव एंड Y2 पॉजिटिव, है ना. तो देखो हुण इत्थे अपने कोल X एंड Y दा एक सोल्यूशन है जिहदे विच दोनों मिक्स होए हुए है बच्चे, लाइक दिस, ठीक है ना, एक्स भी है ते वाई भी है, क्लियर. हुण देखो सो आपां की करते हैं, आपां इन्हां नूं प्रिसिपिटेट आउट करते हैं, ग्रुप 2 कैटायंस नूं प्रिसिपिटेट आउट करते हैं. देखो हुण दोनों सोल्यूशन दे विच है, अगर सपोज दोनों ही प्रिसिपिटेट हो जाएंगे फिर भी कोई फायदा नहीं. देखो ना हुण ग्रुप 2 ते ग्रुप 4 दोनों मिक्स होए हुए है, जे सपोज दोनों ही नीचे प्रिसिपिटेट हो जाए फिर भी कोई फायदा नहीं. अपना फायदा, अपना मसला कदों हल होगा, जदों एक तो सोल्यूशन दे विच हो जान ते दूसरे प्रिसिपिटेट आउट हो जान. तो आपने दोनों नूं अलग अलग कर लिया कि नहीं, ठीक है. तो हुण आपां देखो की करांगे, आपां इस सोल्यूशन चो पास ऑन करांगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड विच विल पार्शली ब्रेक डाउन इनटू 2H पॉजिटिव प्लस S2 नैगेटिव. हुण जिहड़ा इह सल्फाइड आपां नूं मिलिया है, इस सल्फाइड दे नाल जिहड़ा अपना ग्रुप 2 है, ठीक है,
ओहो कंबाइन करके सॉरी एक्स टू पॉजिटिव सो जिहड़े अपने ग्रुप टू कटायन्स ने वो इस सल्फाइड नाल मिलके की बन जाएंगे एक्स एस दे प्रेसिपिटेट्स सो दे विल बी सेपरेटेड एज देयर प्रेसिपिटेट्स है ना. नाउ हुण तुसी मैनू कहोगे कि सर भी फिर अपने कोल ग्रुप फोर क्यों नहीं प्रेसिपिटेट आउट हो रहा. देखो उत्थे भी ये रिएक्शन हो सकती है कि वाई टू पॉजिटिव प्लस सल्फाइड विल गिव यू वाई एस है ना. आपने ये रिएक्शन नहीं होन देनी. क्यों नहीं होन देनी? क्योंकि देखो ए प्रेसिपिटेट ता होगा ना अगर एक्स ते सल्फाइड का जिहड़ा प्रोडक्ट है आयोनिक प्रोडक्ट वो एदे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो ज्यादा होगा. मतलब फॉर दिस क्यू एस पी शुड बी ग्रेटर दैन के एस पी. ठीक है मेरी गल समझ गई ना. नाउ लेट इट बी जिहड़ा एक्सेस है ठीक है ना एदा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैं एज्यूम कर लिया 10 रेजेस माइनस 4 क्लीयर. एंड सिमिलरली जिहड़ा वाई एस है एदा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैं एज्यूम कर लिया 10 रेजेस माइनस 2. मैं वैसे ही एज्यूम कीतियां वैल्यूज तुसी लर्न नहीं करनी आ जस्ट सानू समझाण लई है बच्चे ठीक है ना. तुसी सिर्फ इन्ना याद रखना है कि ग्रुप 2 दा जिहड़ा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वह ग्रुप 4 नालों घट हुंदा. मेरी गल समझ गई ना. सो ग्रुप 2 दा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज लैसर दैन ग्रुप 4 दा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ये मैं जस्ट सानू समझाण लई वैल्यूज एज्यूम कर लिया. हुण आपां नूं पता है कि एक्स ते वाई तो सोल्यूशन च हैगे ही ने उहनूं तां आपां वेरी नहीं कर सकते. आपां किहनूं वेरी कर सकते हैं सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन नूं. सो हुण आपां की करांगे आपां इहदे विच इक स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट पा देंगे विद अ कॉमन आयन लाइक एच सी एल. एच पॉजिटिव ते सी एल नैगेटिव दे रहा है वह तो देखो आ अपना कॉमन आयन आ गया कि नहीं. जदों ये कॉमन आयन आ गया बच्चे तो जिहड़ा उपर वाली रिएक्शन है इक्विलिब्रियम वाली वह बैक आ जूगी यानी कि H2S की डिसोसिएशन विल डिक्रीज यानी कि सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन विल ऑलसो डिक्रीज है ना. हुण वो सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन नूं मैं इन्ना क डिक्रीज कर दूंगा कि जदों तुसी उसका आयोनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे विद एक्स ते वाई तो जदों तुसी एक्स नाल उहनूं मल्टीप्लाई करोगे उहदी कॉन्सेंट्रेशन नूं जदों तुसी मल्टीप्लाई करोगे एक्स की कॉन्सेंट्रेशन ते सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन वो 10^-4 तो ज़्यादा आऊगी यानी कि प्रेसिपिटेशन हो जूगी. तो जो तुसी सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन नू मल्टीप्लाई करोगे वाई की कॉन्सेंट्रेशन नाल ठीक है वो इस तो घट आऊगी यानी कि प्रेसिपिटेशन नहीं होगी. एक तरह का आए मान के चलो कि अगर अपना आयोनिक प्रोडक्ट सपोज आ गया 10^-3 तो वो इहदे नालों घट है इहदे नालों ज़्यादा है तो ग्रुप 2 प्रेसिपिटेट होजूगा तो ग्रुप 4 प्रेसिपिटेट नहीं होगा. ठीक है ना मेरी गल समझ गई कि नहीं. सो आपां इन्नी क मात्रा च एच सी एल ऐड करांगे ठीक है कि सल्फाइड की कंसेंट्रेशन इन्नी घट जे कि उसका मेटल दे नाल जिहड़ा आयोनिक प्रोडक्ट बनूगा वह ग्रुप 2 दे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो ज़्यादा होगा तो ग्रुप 4 दे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नालों घट होगा यानी कि ग्रुप 2 प्रेसिपिटेट कर जूगा तो ग्रुप 4 प्रेसिपिटेट नहीं करूगा बच्चे. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ वी यूज कॉमन आयन इफेक्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. अपने को दो एग्जाम्पल्स हो रहा है आपने वो भी करनी है. सो नाउ वी शैल स्टार्ट ऑफ विद द सेकेंड एग्जाम्पल. सो बच्चे सेकेंड एग्जाम्पल अंडर दिस कैटेगरी इज सेपरेशन ऑफ ग्रुप 3 रेडिकल्स. सेपरेशन ऑफ ग्रुप 3 रेडिकल्स ठीक है ना. जिदा आप ग्रुप 2 रेडिकल्स नू प्रिसिपिटेट कीता एज देयर सल्फाइड्स. सो बच्चे हुण देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. देखो आपां नू ज़्यादा डिटेल च उत्थे कुछ भी लिखण दी लोड़ नहीं. आपां ने सिर्फ की ध्यान च रखना है आपां कहांगे कि ग्रुप 2 रेडिकल्स आर आइडेंटिफाइड बाय प्रिसिपिटेटिंग दैम एज देयर सल्फाइड्स ठीक है by the use of H2S in the presence of HCl. तो आप कहेंगे HCl being a strong electrolyte, ठीक है, and having a common ion with H2S, suppresses its ionization so that the ionic product is sufficient to precipitate group 2 radicals, but not group 4 radicals. ठीक है ना.
नाउ सिमिलरली आपा याद रखना है कि ग्रुप थ्री रेडिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, ते हाइड्रोक्साइड्स दे तौर ते प्रेसिपिटेट करन लई आपा यूज की करने हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड, जेड़ा की आयनाइज करता है इनटू एमोनियम पॉजिटिव प्लस OH माइनस, क्लियर, एमोनियम पॉजिटिव प्लस OH माइनस, ते अगेन सेम देखो हुण इत्थे रिएक्शन की होगी, जेड़े अपने कोल मेटल दे कैटायंस होंगे आपा X2 पॉजिटिव एज्यूम कर लिया मेटल नूं, ता दे विल कंबाइन विद OH नेगेटिव टू फॉर्म प्रेसिपिटेट्स ऑफ X OH होल ट्वाइस, ठीक है कि नहीं, बट हुण आपां OH नेगेटिव दी कॉन्सेंट्रेशन नूं घटावांगे किवें, आपां कॉमन आयन लवांगे एमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ता एमोनियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ता देखो कॉमन आयन हो गया एमोनियम ते Cl नेगेटिव, सॉरी एमोनियम ते एमोनियम, ता इहदे नाल उपर वाली जिहड़ी रिएक्शन है वह बैक चल जूगी, सो एमोनियम हाइड्रोक्साइड दी जिहड़ी डिसोसिएशन है दैट विल डिक्रीज, जदों डिसोसिएशन डिक्रीज हो जूगी तो OH नैगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, तो जिहड़ी OH नैगेटिव की डिक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन है वह ग्रुप थ्री रेडिकल्स नू प्रिसिपिटेट करन लई तां बहुत रहूगी, ठीक है, बट जिहड़े इस दे नाल दूजे रेडिकल्स होणगे, ठीक है ना, उन्हां नू इह प्रिसिपिटेट नहीं कर पाऊगी, सो आपां की लर्न करना है, आपां की लर्न करना है कि ग्रुप थ्री रेडिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर हाइड्रोक्साइड्स बाय यूजिंग एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम क्लोराइड, द एमोनियम क्लोराइड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड हैविंग अ कॉमन आयन विद एमोनियम हाइड्रोक्साइड सप्रेसेस इट्स आयनाइजेशन टू सच एन एक्सटेंट दैट द डिक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन्स इज सफिशियंट टू प्रेसिपिटेट द ग्रुप थ्री रेडिकल्स बट नॉट द रेडिकल्स ऑफ अदर ग्रुप्स, क्लियर बच्चे, ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, हुन बच्चे आप थर्ड एंड लास्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस च एप्लीकेशन करनी है, वो हैगी है फॉर ग्रुप फाइव रेडिकल्स, ठीक है, जेडे ग्रुप फाइव रेडिकल्स ने they are precipitated as their carbonates, they are precipitated as their carbonates and carbonates de taur te precipitate karan layi aapa ki use karde hain ammonium carbonate, we use ammonium carbonate in the presence of again ammonium chloride, theek hai, ammonium carbonate dissociates into टू एमोनियम आयन्स प्लस CO3 टू माइनस आयन्स, ते एमोनियम क्लोराइड कंप्लीटली डिसोशिएट्स इनटू एमोनियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सो बच्चे कॉमन आयन आ गया, ठीक है, इस कॉमन आयन दे होन करके उपर वाली जिहड़ी रिएक्शन है दैट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, नाउ जेडे अपने ग्रुप फाइव रेडिकल्स है ग्रुप फाइव दे कैटायंस है लेट इट बी X2 पॉजिटिव, they will combine with carbonate ions and precipitate as XCO3, ठीक है, so again हुन आपां की कहांगे कि जिहड़े group 5 radicals ने they are precipitated as their carbonates, ते उन्हां नूं carbonates दे तौर ते precipitate करन लई आपां की यूज करदे हैं ammonium carbonate, एमोनियम कार्बोनेट दे नाल आपां एक स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिंदे आ लाइक एमोनियम क्लोराइड हैविंग अ कॉमन आयन, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट जिहड़ा एमोनियम कार्बोनेट है उसकी डिसोसिएशन इट डिक्रीजेस, जिहड़ी उसकी डिसोसिएशन डिक्रीज कर गई इट डिक्रीज होण तो बाद जिहड़े कार्बोनेट आयनस है उन्हां दी कॉन्सेंट्रेशन इन्नी घट गई कि वह ग्रुप फाइव दे रेडिकल्स नूं तां प्रिसिपिटेट कर दूगी क्योंकि उहदा आयनिक प्रोडक्ट उन्हां तो ज़्यादा हो जूगा, बट जिहड़े बाकी दे रेडिकल्स होणगे जिन्हां तो आपां उहनां नूं सैपरेट करना है उहनां नूं उह प्रिसिपिटेट नहीं कर पाऊगी बच्चे, ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, सो इट्स मेन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड,
देखो बच्चे हुण मैं जस्ट सोनू एक क्रस्ट दस रहा हैं, बेसिक निचोड़ की है ना। सो देखो पहली एप्लीकेशन सी प्योरीफिकेशन ऑफ NaCl, आपां उत्थे कॉमन आयन इफेक्ट लगाने हैं, आपां NaCl तो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट HCl पाने हैं, जिहदी प्रेजेंस च NaCl दी डिसोसिएशन घट जांदी है ते ओह प्रेसिपिटेट आउट हो जांदा है, डन हो गया। सेकंड आपां ने कीतियां क्वालिटेटिव एनालिसिस, पहला आपां ने कीते ग्रुप टू रेडिकल्स। सो याद की रखना है कि ग्रुप टू रेडिकल्स नूं आपां प्रेसिपिटेट करदे हैं एज सल्फाइड्स बाई यूजिंग H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl एक स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट होन करके ते एक कॉमन आयन होन करके H2S दे नाल उसकी आयनाइजेशन नूं घट कर दूगा। जदों उहदी आयनाइजेशन घट जूगी तां सल्फाइड आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन इन्नी क डिक्रीज हो जू, ठीक है, कि उस डिक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ते अपने ग्रुप टू रेडिकल्स तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे बट होर रेडिकल्स प्रेसिपिटेट आउट नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंड आपने की कि ग्रुप थ्री रेडिकल्स जड़े ने दे आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर हाइड्रोक्साइड्स बाय एडिंग एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ते एमोनियम हाइड्रोक्साइड नूं आपां वीक तो होर वीक किवें करदे हैं बाय एडिंग एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। लास्टली आपने किया कि जिहड़े ग्रुप फाइव रेडिकल्स है उन्होंने आपां प्रेसिपिटेट करांगे एज देयर कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के तौर पर प्रेसिपिटेट आउट करने लई आपां की यूज करांगे एमोनियम कार्बोनेट। एमोनियम कार्बोनेट जो है इट हैज अ कॉमन आयन विद एमोनियम क्लोराइड जिहदे नाल आपां उसनूं यूज करांगे, ठीक है। सो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट एमोनियम कार्बोनेट की जिहड़ी डिसोसिएशन है वह इन्नी कु डिक्रीज हो जूगी कि जिहड़ी कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन है वह इन्नी घट जूगी कि इट विल बी नो डाउट सफिशियंट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप फाइव बट अदर रेडिकल्स विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड। डन हो गया बच्चे, क्लियर आई होप, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट आर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट एंड एवरीथिंग एंड ऑल्सो द चैप्टर, ठीक है। सो तुसी देखा होगा कि एंड ते बिल्कुल डिफरेंसेस दिते हुए हैं अपने को नोट्स दे विच सॉल्युबिलिटी ते आयोनिक प्रोडक्ट दे, तो उहदे विच की डिफरेंसेस है बच्चे देखो। सो द डिफरेंसेस बिटवीन KSP एंड QSP, ठीक है, की डिफरेंसेस है बच्चे देखो। पहला डिफरेंस कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वह आप कदों यूज करते हैं, देखो। सो अपने को लेट इट बी जिहड़ा मेरा सॉल्ट है दैट इज PbCl2, दिस विल डिसोशिएट इन टू Pb+2 प्लस टू Cl-, तो इसका KSP की है Pb+2 की कॉन्सेंट्रेशन इन टू Cl- की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वेयर। सिमिलरली QSP भी की है Pb+2 की कॉन्सेंट्रेशन इन टू Cl- की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वेयर, ठीक है। दोनों विच फर्क की है, ये जदों इक्विलिब्रियम आ चुकिया, ये जदों इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो सॉल्ट्स के केस आप इक्विलिब्रियम नूं की कहने हुंदे आ सैचुरेटेड सोल्यूशन, है ना, क्योंकि जिन्ना तुसी डिजोल्व कर सकते सी करता, सैचुरेट हो गया, जिस तो वध पाओगे तो इट विल प्रेसिपिटेट आउट, क्लीयर। सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट दे जिहड़े विच प्रोडक्ट्स दे विच जिहड़े आयन्स है उन्हां दी कॉन्सेंट्रेशन दा प्रोडक्ट विद ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इत्थे आपां लिखांगे सेम डेफिनेशन बट एंड ते की आ जूगा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, या एट एनी टाइम। नाउ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सेकंड डिफरेंस की लिखा हुआ है देखो जरा नोट्स दे विच, एप्लीकेबल ओनली टू सैचुरेटेड सोल्यूशन, बिल्कुल जो इक्विलिब्रियम आ चुकया, जो अपना सोल्यूशन जिन्ने आयन्स डिजोल्व कर सकता सी कर चुकया, ते आयनिक प्रोडक्ट वो आपां किसी भी टाइम ते किसी भी कॉन्सेंट्रेशन लई यूज कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नैचुरल है, उहदी फिक्स वैल्यू है एक पर्टिकुलर सॉल्ट लई पर्टिकुलर रिएक्शन, आपां कहा सी वी देखो के हैज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, तो देखो इत्थे भी की लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हैज़ अ फिक्स वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट एट अ कॉन्सटेंट टेंपरेचर, जबकि आयनिक प्रोडक्ट तो आपां नूं पता ही है कि तो किसी भी टाइम ते है बच्चे, उहदी कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं, जिवें जिवें तुसीं
आयनस की कॉन्सेंट्रेशन वधाउंदे जाओगे आयनिक प्रोडक्ट वधदा जाऊगा, घटाते जाओगे तो आयनिक प्रोडक्ट घटता जाऊगा। सो इसकी वैल्यू कॉन्सटेंट नहीं है एंड इट वेरीज विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयोनिक स्पीशीज। डन बच्चे। सो विद दिस वी कंप्लीट आर इक्विलिब्रियम का चैप्टर। ठीक है बच्चे, तो हुन कल थोड़ा जितों तक पहला टेस्ट हो गया सी, उस तो बाद दे पोर्शन का टेस्ट होगा फ्रॉम ओनली द थियरी पोर्शन, नो न्यूमेरिकल्स कल लई। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स लई आपां कोई होर दिन फिक्स करांगे, कल सिर्फ थियरी टेस्ट। लीक एटलायर्स प्रिंसिपल तक थोड़ा टेस्ट हो चुका, स्टार्टिंग फ्रॉम आयोनिक इक्विलिब्रियम टिल द एंड, सारी थ्योरी पोर्शन जिन्ना भी बच गया उसका टेस्ट विल बी टुमोरो। ठीक है, सो चंगी तरह प्रिपेयर कर लेना है। अगेन आई रिपीट कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉरी। ठीक है ना, तो आपने बड़े ईजी वे नाल इसनों कीता है। आई होप कि सानू सारा नूं ये समझ भी आ गया चैप्टर तक। बाकी मैं कल टेस्ट देख के पता लग जूगा कि आपको किन्ना समझ आया है। ठीक है ना, तो टेस्ट लई प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो बच्चे। एंड वंस अगेन आई रिपीट, देयर विल बी नो न्यूमेरिकल्स, सिर्फ थियरी पार्ट होएगा कल। हाँ, जिहड़ा थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन मैं सानू थ्योरी दे विच ही करवा दिंदा हुंदा है, जिदा कि KSP ते सॉल्युबिलिटी दा रिलेशन फाइंड आउट करना या कुछ होर, ओ होएगा पेपर दे विच। ठीक है ना, सो कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बच्चे। थैंक्स अ लॉट।